विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाए ससुरालियों पर जिंदा जलाने का आरोप। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव सीतापुर का है, जहां गृह कलेश के चलते विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना किसी के द्वारा मृतका के परिजनों को दी गई तो गाँव में मृतका के परिजनों द्वारा हंगामा काटना शुरू कर दिया गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा मृतका के पति राजकुमार व अन्य उसके परिजनों पर मृतका को जिंदा जलाकर मारने के आरोप लगाए हैं। मृतका के भाई द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी गांव सीतापुर थाना इगलास में की थी। पति के द्वारा हर रोज शराब के नशे में धुत होकर मृतका के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। आज जिंदा जलाने की सूचना उनको दी गई तो मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार उपाध्याय। कैसे, क्या घटना हुई आज? घटना भाई साहब, हमें जो मालूम पड़ी है फोन पे कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब आग लगा के मार दी है। जो किसने मारा आग लगा कर? मतलब राजकुमार सनोप यानी ब्रजेश ऐसे कुछ नाम है, जो मतलब मुझे कंफर्म नहीं है जो पिता का जो। तो कौन है जो मृतक है आपकी? कौन है? वो बहनों ही लगते हैं जो। बहन है मेरी जो। आपकी बहन है जी? कहाँ की रहने वाली थी? उनका मायका कहाँ पर है? कोका कहाँ पड़ता है? जिला चंदपा, थाना चंदपा, हाथरस की जी। तो क्या, कैसे पता चली आपको? कैसे पता चली? हमें फोन के द्वारा सूचना मिली। जब तक ये मेडिकल ले जा चुके से मतलब जो है गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने मतलब फोन किया हम पे जो जी। तो क्या कोई विवाद चल रहा था? क्या वजह रही? कोई विवाद नहीं साहब। क्या वजह रही फिर भैया? यही थी मतलब ये दारू पीता है जो मतलब जो आपकी बहन के जो घर वाले हैं। हाँ जी, दारू पीते हैं जी। तो कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? या मैं अभी बता दूंगा, मैं थोड़ी देर में तीन चार और मतलब शामिल हैं जो अन्य जी, जो जी जी उनके नाम हम बता देंगे आप। तो क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सबको? जी जी, मुझे हमारे सामने ही पैक करके लाए हैं उसमें जो किट में जो। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इनको सजा मिले जो। क्या नाम था जो मृतक है उनका? यशोदा देवी। कितने बच्चे हैं उनको? पांच बेटी हैं, छह लड़की एक लड़का जो है। एक लड़का। अच्छा, इगलास के कौन से गांव में? सीतापुर में। सीतापुर में। आपका क्या नाम है? राजकुमार उपाध्याय। आप कौन है मृतक के भाई? खास बुआ जी हैं जी मेरी, और ये जो हमारे फूफा जी हैं इनके जो हस्बैंड थे, जो काफी दिन से मतलब इनका रवैया शुरू से खराब रहा है, और इनने काफी बार ऐसी मतलब घटना को मतलब दिया है अंजाम कि मतलब मारा पीटी, तोड़ा फाड़ी साथ में, मतलब कुछ भी मतलब करते हैं जी इन्हें को मतलब। आज क्या घटना हुई? आज घटना जी हुई है, इन्होंने हमें कॉल करके कुछ नहीं बताया, हमें तो किसी और के जरिए मालूम चली है कि इन्होंने डीएल डाला है, और डीएल डालने के बाद में फिर अपने आप उनमें आग लगा दी है, और फिर हम पे कोई भी इंतमा मतलब कोई भी कॉल कोई भी कुछ भी मतलब उन्होंने किया नहीं है। डीएल डालने का क्या कारण रहा है? डीएल डालने का कारण यही है कि ये नशेबाज हैं, दारू पीते हैं, इन्हें खुद दोष नहीं है कि मतलब कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जिन्हें अच्छा बुरा का कोई मतलब कोई नॉलेज नहीं है जी, मतलब जी है पुलिसों को मालूम है कि जी, और जो गांव वाले भी हैं, जो गांव के दो चार लोग इनके अड़ोसी पड़ोसी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें, और जी हमें मतलब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यहां पे हम आए सिफारिश में। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हेमंत उपाध्याय। क्यों डरा क्यों रहे आपको? इसीलिए कर रहे हैं कि मतलब हमने ये अभी यहाँ पे आके पूछताछ की है, जो भैया थे पुलिस वाले थे इन्होंने भी पूछताछ की है, चुप के बैठ गए तो क्या निकल नहीं ने बाहर, तो आपने पुलिस कार्रवाई करने की? हाँ, पुलिस कार्रवाई बिल्कुल होगी। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो कह रही है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो चाहोगे वही होगा। अभी जो झगड़ा हो रहा था किस बात को लेकर हो रहा था? झगड़ा किसी बात को नहीं हो रहा था, ये मतलब हमें क्या है कि मतलब कहां से मर रहे हो, मारपीट क्यों कर रहे हो, जिक्र सब कर रहे हो, मतलब ये सब चीजें करके मतलब डरा रहे हैं, और मतलब ये है कि हम कुछ करें नहीं, और मतलब इनकी जो भी है जैसे चाहे वैसे इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग सब चले तो ठीक है, अगर हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ करेंगे तो ये सोच रहे हैं कि मतलब इन्हें डराओ धमका दो और मतलब ऐसे करके काम चल जाए। तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है बॉडी को? हाँ, ले जा रही है पुलिस पोस्टमार्टम को बॉडी को। क्या की आत्महत्या का मामला है? क्या मामला है? और ग्राम सीतापुर थाना इलाज क्षेत्र में महिला के जन्मने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, इस संबंध में उसकी महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, महिला के परिजनों द्वारा कोई आरोप भी लगाए जा रहे हैं? अभी तो नहीं, परिजनों से भी बात वार्ता की जाएगी, यदि कोई आरोप प्रत्यारोप या कुछ ऐसा कहेंगे तो उस पर आवश्यक जो कार्रवाई होगी की जाएगी।
वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइंस के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।